उत्तर प्रदेश की धरती पर महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी, ऐसा आत्मविश्वास आरएन यादव ने व्यक्त किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में देश के उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव की साइकिल ने सब विरोधियों को धोबी पछाड़ दिया है, वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की धरती पर साइकिल दौड़ेगी, ऐसी घोषणा नई मुंबई के सपा अध्यक्ष आरएन यादव ने व्यक्त की है। हाल ही में इस विषय को लेकर नई मुंबई में पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आरएन यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र सचिव सज्जाद खान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी के नवी मुंबई पनवेल के अध्यक्ष कल्याण के परीक्षक आर्यन यादव जी, आज आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपकी साइकिल यूपी में बहुत चली, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साइकिल यूपी में चली और साइकिल का संदेश पूरी हिंदुस्तान में गया, और हिंदुस्तान में ही महाराष्ट्र है, हम लोग महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं। साइकिल की रफ्तार इतनी तेज हुई कि साइकिल का संदेश ही ये बताया गया कि अब हम सभी लोग सक्रिय हो जाएं और देश में जो संविधान बचाने का कसम खाया गया, जो संविधान बचाने का प्रण लिया गया, वो हम पूरा कर सकें, जनता के बीच में जो विश्वास है हम कायम रख सकें, लोगों को जो जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम कैसे उनकी जीविका को उनके स्तर को सुधारेंगे, ये हमें सोचने का काम अभी चालू हो गया। महाराष्ट्र में भी आपके विकास आघाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उसमें आपका भी पार्टी का योगदान काफ़ी रहा है, तो महाराष्ट्र में अभी आने वाले समय में समाजवादी पार्टी किस तरीके से उभरेगी? देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की लोकसभा में एक भी सीट नहीं ली, कंडीशन उसका कंडीशन था, बात किया गया था कि हम लोकसभा में एक सीट नहीं लेंगे लेकिन विधानसभा में हमको कम से कम 3 सीट दिया जाए, जबकि 5 सीट का मांग किया गया है। अब मान लीजिए 5 नहीं मिलता है, 3 मिलता है, तो भी हम अब आगे की लड़ाई विधानसभा की सब लोग मिल करके और इस पॉइंट पर इस बात को ध्यान में रख के लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे कि अब हमको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो साइकिल मतलब आपको विश्वास है कि महाराष्ट्र में आप साइकिल दौड़ाएंगे? विश्वास ही नहीं, बहुत ही 100% उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि साइकिल महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से दौड़ेगी। जितना आप स्पीड आज उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, शायद वो स्पीड को और ज़्यादा मूवमेंट कर सकेंगे महाराष्ट्र में और हर स्टेट में, जैसा जैसा विधानसभा के चुनाव होते जाएंगे आप साइकिल की स्पीड आप देखते जाएंगे। बहुत धन्यवाद सर जी, आप महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के सचिव हैं, आप तो आपकी बल्ले बल्ले होनी चाहिए, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2-4 सीट की आशा नहीं थी, 40 सीटों पे कब्जा हो गया है, तो आने वाले समय में यूपी से महाराष्ट्र तक कैसे दौड़ेंगे आप? पत्रकार महोदय, देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे भारत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन लोगों ने अलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, उसकी असलियत को दिखा दिया कि तुम्हारा डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाला है, जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में जनता ही माने रखती है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इन लोगों ने बहुत कम आंका था, मगर समाजवादी पार्टी की पिछले कार्यकाल को, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को, उससे भी पहले माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल को देखते हुए लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि नहीं, समाजवादी पार्टी ही एक जो है उत्तर प्रदेश के लिए पर्याय है। और इसी को ध्यान में रखते हुए नौजवानों ने जो है भरपूर पूरी ताकत के साथ, किसानों ने, नौजवानों ने, श्रमिकों ने, सभी लोग एकजुट होकर जो है वहाँ साइकिल की रफ्तार को दौड़ाए,
बहुत बहुत हम सब लोगों को खुशी हुई है इस खुशी के साथ कि हम लोग जो है आगे जो है लोकतंत्र को कायम रखेंगे। मेरा ये कहना है कि अब आप महाराष्ट्र में साइकिल कैसे दौड़ाएंगे? देखिए महाराष्ट्र में हम अलायंस में हैं और हमारा खुद का समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में है और जब हमको उत्तर प्रदेश से जो ऊर्जा आज मिली हुई है उस ऊर्जा के बल पर आज हमारे यहाँ जो उत्साह पैदा है हमारे लोगों में, जो आज हमारे पास बार बार लोगों का फोन आ रहा है, पूरे महाराष्ट्र से फोन आ रहा है लोगों का, पूरे हमारे महाराष्ट्र के कमेटी के लोगों का फोन आ रहा है और लोग जो है खुशी से झूम रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगला विधानसभा जो है हम लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा और बड़ी मेहनत के साथ हम विजय श्री प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।